आज किस तरह का ज्ञापन देने आई थी आप? देखिए, ग्राम पंचायत कनवारा है, वहाँ पर मजरे हैं, एक तो ब्रह्मा डेरा है और एक छावनी डेरा है। वहाँ पर मैं जब गई, मैंने देखा कि वहाँ की जो स्थितियाँ हैं बहुत ही गंभीर स्थितियाँ हैं। वहाँ देखिए, ना तो वहाँ पर शौचालय है गरीबों के घरों में, ना तो वहाँ जो पात्र हैं ना तो उनको आवाज़ की सुविधा मिल रही है। जो दिव्यांग है, दिव्यांगों के लिए पहले ही दिव्यांग विधवाओं के लिए कॉलोनी जो आई है उनमें भी उनका नाम नहीं है। और जब मैंने वहाँ रजिस्टर चेक किया, हमने देखा तो वहाँ पर जिनको नहीं उनको कॉलोनी, जिनको सच में पात्र हैं उनका नाम पेन से, रेड पेन से लिखा गया है। और वहाँ पर पूरे गाँव में एक भी नाली नहीं होगी कि वहाँ का जो बारिश का पानी निकल सके। और वहाँ पर एक देव स्थान है, बहुत ही बड़ा स्थान है, वहाँ पीपल का पेड़ है, हमन कुंडी देवी बनी हुई है, वहाँ इतना कीचड़, इतनी गंदगी कि वहाँ कोई जा नहीं सकता। और देखिए, कम से कम 20 लोगों के वहाँ मकान गिर गए हैं, 3-4 बार महिला यहाँ सूचना देने के बावजूद भी कोई भी कर्मचारी नहीं गया है कि उनके जो आवास गिर गए हैं वहाँ उनको जो सरकारी लाभ है, जो आपदा विभाग से, वो भी नहीं उनको मिल रहा। कई बार देखिए, चेतावनी देने के बावजूद हमारा बांदा जिला प्रशासन, माननीय जिला अधिकारी जी पता नहीं क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं। और देखिए, वहाँ से वो क्षेत्र है तिनवारी विधानसभा, जहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी चुनाव जीत करके गए हैं और मुख्यमंत्री भी बने हैं, प्रधानमंत्री भी बने हैं। और यहाँ से जो है समाजवादी पार्टी के विशंबर निषाद जी भी राज्यसभा सांसद रहे हैं, जो है सॉरी ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। और वर्तमान में रामकेश निषाद जी जो है मंत्री है, उत्तर प्रदेश शासन में जल शक्ति मंत्री है। ये बताए कि लगातार हमारी जो सरकार है, प्रधानमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी है, लगातार पीड़ितों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, पत्रकारों के लिए काम कर रहे, योजनाएं लागू कर रहे हैं। लेकिन हमारे बांदा जिला का जो प्रशासन है वो सारी योजनाओं पेपर में दिखा रहे, धरातल में कोई योजना नहीं है। भ्रष्टाचार हमारे जिले पर चरम पर है। सारी योजनाओं का जो पैसा आता है जिला अधिकारी से लेकर के, मैं तो यही कहूंगी कि निचले स्तर का कर्मचारी तक सब भ्रष्टाचार में डूबा, सारे जो योजनाओं का जो पैसा है वो बंदर बांट करके खा रहे हैं। और अगर हम ज्ञापन देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो हमारे बांदा जिला अधिकारी महोदय जी वो ज्ञापन को वहाँ भेजते नहीं है और यही बंदर बांट कर देते हैं। ये जो है कनवारा का ही मामला नहीं है, पूरे जिले में भ्रष्टाचार चरम पर है। महिलाओं के साथ शोषण लगातार हो रहा है, पुलिस प्रशासन जो है मनमानी कर रही है, जिला प्रशासन मनमानी कर रहा है। हम बताना चाहते हैं माननीय जो है मुख्यमंत्री जी को, कहना चाहते हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हमारे बांदा जिले से तत्काल आप हटाइए, ऐसे कोई अधिकारी को भेजिए जो अधिकारी पीड़ितों की समस्या सुन सके और बंदर बांट ना कर सके आपकी योजनाओं का पैसा। और अगर एक हफ्ते के अंतर्गत अगर हमारी समस्याओं का समाधान जिलाधिकारी बांदा नहीं कराते नगेंद्र प्रताप सिंह जी, तो हम जो है जेडीयू की महिलाएं पूरे जिले से जो है कोने कोने से महिलाओं को बुला करके हम बड़ा आंदोलन करेंगे और तांडव करेंगे। संवैधानिक जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसको हम सड़क पर उतरने का प्रयास करेंगे। और प्रयास ही नहीं, हम उतर के दिखाएंगे और फिर हम देखेंगे कि बांदा जिला प्रशासन में कितनी ताकत है और कि बांदा जिला की महिलाओं पर कितनी ताकत है। जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जो अधिकारी ने आई है, जो अधिकारी ने आई है, यहाँ से तत्कालीन मिनिस्टर भी है रामकेश निषाद जी, यहाँ से समाजवादी पार्टी के भी जो मिनिस्टर है राज्यसभा सांसद, लेकिन इस बात का है कि आज तक दोनों डेरा मजरा जो है वहाँ पर नाली नहीं है। सोचिए, पानी इतना भरा है कि गांव एकदम दबदब हो रहा है। और सोचिए, वहाँ पर जितने डेरा पड़ता है आपका ब्रह्मा डेरा और छावनी डेरा, ग्राम पंचायत आपका कनवारा पड़ता है, विधानसभा आपका यही तिलवारी पड़ता है, सदर आपका यही लगता है। और वहाँ पर कम से कम 20 लोगों के आवास के अंदर 3 बार यहाँ सूचना देने के बाद कोई भी मेयरपाल कर्मचारी नहीं गए कि वहाँ सर्वे कर ले। और शौचालय तो वहाँ 2-4 घर में हो गए, इसके बाद किसी के यहाँ शौचालय नहीं बना, ठीक है। और देखिए, वहाँ पर इतनी विधवा है, विकलांग है, उनको कोई किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो बताइए ना, तो आवास की सूची में देखा है प्रधान जी के अपने रखी है और जिनको नहीं देना है उनके जो लाल पेन से लिखा हुआ है, सच में जिनको मिला जिनको तो मिले नहीं रहा। ये हो क्या रहा, इतने ज्ञापन जाने के बावजूद भी यहाँ का जिला प्रशासन क्या नहीं सोच रहे हैं इनके बारे में? माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी योजना ला रहे हैं,
माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी योजनाएं ला रहे हैं महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, यहाँ तक कि पत्रकारों के लिए, लेकिन हमारे बांदा जिला प्रशासन क्यों नहीं संज्ञान ले रहा? लगातार माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो छवि है उसको दूर करने का यहाँ के अधिकारी काम कर रहे हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर यहाँ के अधिकारी एक हफ्ता में अगर नहीं सचेत होते हैं तो हमको सभी तरह का तांडव मचाएंगे। ना तो पुलिस प्रशासन से डरते हैं, ना तो जिला प्रशासन से डरते हैं, तांडव होगा, तांडव। और